हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं हूं शादा वालम। दोस्तों, आज हमारा एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स का ये फोर्थ वीडियो है। तो तीन वीडियोस, तीन क्लासेस हम पहले कर चुके हैं एसएसटी सोशल साइंस आपका एनसीईआरटी नोट्स का, तो वो आपने देख लिए होंगे। और जो लोग नहीं देख पाए हैं, किसी भी कारण से आपकी मिस हो गई है, तो वो क्लासेस आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपकी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी वही सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी कि एसएसटी, तो वो उनके लिए जो है ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो इस पूरी सीरीज को फॉलो करें तो बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं और आपके एनसीईआरटी बुक्स से बनाए गए हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज नोट्स हैं और पॉइंट टू पॉइंट जो है बिल्कुल पॉइंट उठाए गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने जो है तीन चैप्टर कर लिए थे और आपका फोर्थ चैप्टर है आरंभिक नगर। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वही उठाई गई हैं आपकी। एक्स्ट्रा मटेरियल अवॉइड किया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका लगभग जो है 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला था जो आधुनिक पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर जो है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इन शहरों का निर्माण लगभग जो है आपका 4700 साल पहले हुआ था। तो ये है आपकी कुछ मतलब डेट्स और समय आपको याद रखना है, और स्थान भी आप याद रख सकते हैं कहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इन नगरों के ऊंचाई वाले भाग को, मतलब ये जो नगर थे इसको जो है आपके दो भागों में बांटा गया था उन्होंने, मतलब जब सभ्यता का निर्माण हुआ तो वहाँ के लोगों ने या वहाँ के राजाओं ने जो है उसको दो भागों में बांटा था, और जो एक हिस्सा था उसको ऊंचा बनाया गया था थोड़ा, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा, दूसरा हिस्सा जो है वो नीचा बनाया गया था, तो इस हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया था। तो जब ये पुरातत्वविदों को मिला है तो उन्होंने जो है जो ऊंचाई वाला भाग है उन नगरों का उसको जो है उन्होंने नगर दुर्ग का नाम दिया है, नगर दुर्ग, और जो निचले वाला हिस्सा है उसको कहा है उन्होंने निचला नगर। तो ये दो नाम है और ये आप याद रख सकते हैं, जो ऊंचाई वाला भाग था उसको नगर दुर्ग कहते थे और जो नीचे वाला भाग था उसको निचला नगर कहते थे। और आपका नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, तो इसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अच्छे ढंग से बनाया गया था, पत्थरों से जो बनाया गया था इसकी चारों दीवारें जो है, और उनके ऊपर जो है उन्होंने लेप भी किया था ताकि जो है उसके अंदर से पानी लीकेज ना हो, उस तरह से जो है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने बनाया था। आगे है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, तो अग्निकुंड जहाँ पे संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे उस टाइम पे, तो ये मतलब अंदाजा लगाया है उन्होंने विद्वानों ने, तो वो मिले हैं आपके कालीबंगा में और लोथल में अग्निकुंड। आगे नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, तो ये जगहों के नाम आपको याद रखने हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी चीजें मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे और पत्थर के बाट थे, मोहरे थी, मनके और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सब सामान जो है वहां पे मिले हैं, इन सबके अवशेष उन्हें मिले हैं। आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इन नगरों के घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया है, मतलब इस तरह से किया गया है उन्होंने कि जो सड़कें थी सड़कों के बीच में या सड़कों के साइड में जो है वो नाले बनाते थे, छोटे छोटे नाले, और वो छोटी जो नालियां होती थी वो आगे चल के बड़े नालों में मिल जाती थी, और वो जो बड़े नाले थे वो जाके जो है नदियों में या महासागरों में मिल जाती थी। तो इस प्रकार से जो उन्होंने डिजाइन किया था उनको, और उन्होंने क्या किया था, नालों के बीच में जो है उन्होंने कहीं कहीं पे वो जो क्या कहते हैं उसको, हॉल टाइप के मतलब उन्होंने बनाए थे रास्ते ताकि उसकी सफाई की जा सके, उसकी मरम्मत की जा सके, वो उन्होंने वहां पे बनाए थे, तो इसलिए जो है पूरा उन्होंने इसका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया था बिल्कुल ढंग से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है वो आगे, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष
चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो में उस समय में मोहनजोदड़ो के टाइम पे जो है कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा था। जैसे कि विद्वानों को यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं या उन्हें जो है इसके अवशेष मिले हैं कपड़े के, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहनजोदड़ो में उस टाइम पे कपड़े का यूज होता था। तो उन्होंने ये कहा है कि मेहरगढ़ के पास जो है वो कपास की खेती होती होगी या होती थी 7000 साल पहले। वहां से जो है उन्होंने कच्चा माल लिया और या उसका कपड़ा जो है उन्होंने वहां से इस्तेमाल किया। आगे एक वर्ड है आपका फ्रेयंस, तो फ्रेयंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। बालू तथा स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय जो है नीले होते थे या फिर हरे समुद्री हल्के समुद्री हरे होते थे। तो ये जो वस्तुएं बनाई जाती थी मतलब खिलौने टाइप की भी कह सकते हैं इनको, तो उनको ही जो कहते थे वो फ्रेंड्स कहते थे और ये बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से बनती थी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बोल रहा है वो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात जो है संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। मतलब ये है कि वहां पे जो है कच्चा माल जो है बाहर से मंगाया जाता था, तो इसमें कुछ चीजें बताई है उसने कि कहां कहां से मंगाया जाता था, कौन कौन सी जगहों से, तो ये जगहें भी आपको याद होनी चाहिए। तो हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और आगे उसने लिखा है कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टिन का आयात जो है वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था और सोने का आयात जो है वो आपका आधुनिक कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है वो गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये चीजें आप याद रखें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस चीज का आयात जो है कहाँ से किया जाता था, आयात का मतलब है मंगाया कहाँ से जाता था, तो ये चीज आप याद रखें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरियां पालते थे, यानी कि वो पशुपालन जो है वो करते थे उस टाइम पे। आगे बोल रहा है वो गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और यह पत्थरों शंखों और धातुओं से बनाई हुई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इसको जो है मतलब ये जो जगह है आपकी लोथल, इसको वहां का जो है एक बंदरगाह भी माना जाता है और कहा जाता था कि यहाँ पे जो है जब माल आयात और निर्यात करते होंगे तो यहाँ पे आके जो है नाव रुकती होंगी, जो बाहर से नाव या जहाज तो नहीं थे, नाव होंगी उस टाइम पे, तो जो नाव थी वो नाव वहां पे आके रुकती होंगी और वहीं पे जो है माल उतारा और चढ़ाया जाता होगा। तो इसको उन्होंने वहां का बंदरगाह माना है। आगे बोल रहे हैं लगभग जो है 3900 साल पहले जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये जो सभ्यताएं थी, जो सिंधु सभ्यताएं थी जहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब जो है धीरे धीरे वो समाप्त हो गई थी और उनका अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो कह सकते हैं ये मतलब क्या रहस्य रहा उसका कि वो सारी सभ्यताएं जो है आज समाप्त हो चुकी हैं। तो कुछ विद्वानों ने जो है पता लगाया है या अंदाजा लगाया है, उन्होंने कल्पना की है साक्ष्यों के बेस पे, तो वो कहते थे कि वहां के जंगलों का विनाश हो गया होगा और विनाश इसलिए हुआ होगा वहां पे, उसका कारण ये बताते हैं कि यहाँ पे ईंटों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, वहां पे चिनाई वगैरह जो है और इमारतें बहुत ज्यादा बनाई गई थी, तो वहां पे ईंटों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था और ईंटें पकाने के लिए मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ईंटें पकाने के लिए जो है उनको ईंधन की जरूरत होती होगी जिसके लिए वो वनों को काटते चले गए होंगे, जंगलों को काटते चले गए होंगे ईंधन के लिए। तो वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि जंगल जो है खत्म हो गए होंगे, तो ये एक कारण हो सकता है वहां की सभ्यताओं के नष्ट होने का। दूसरा वो बोल रहे हैं कि यहाँ के जो भेड़ बकरी मवेशी गाय वगैरह जो है ये पशुपालन बहुत करते थे, तो ये पशुपालन करने के कारण जो है ये वहां के घास के मैदान जो है सब खत्म हो गए होंगे, मतलब उन्होंने चर लिए होंगे जो उनके पालतू पशु थे उन्होंने चर लिए होंगे, तो घास वाले मैदान जो है वहां पे समाप्त हो गए। और कुछ का कहना है कि वहां पे बाढ़ आई थी और कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गई थी इसलिए जो है वहां के लोग जो है वहां से जगहों को छोड़कर चले गए वहां से। तो ये अलग अलग मतलब विद्वानों के मत हैं, लेकिन अभी तक कोई संपूर्ण जो है मतलब ठोस सबूत नहीं है और ठोस जो है आपका कारण नहीं मिला है कि आखिर कारण था क्या। तो ये सिर्फ अंदाजे इन्होंने लगाए हैं कि ये कारण हो सकते हैं वहां के लोगों की सभ्यता को छोड़ने के और उन सभ्यताओं को नष्ट हो जाने के। आगे इन्होंने कुछ चीजों को ऐड दिया है, अन्यत्र चीजें मतलब ऐड किया है यहाँ पे। तो लगभग जो है 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजा जो है वो बड़े बड़े मकबरे बनाया करते थे जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था और ये होते भी इसी टाइप के थे, जो मकबरे होते थे तो ये इसी टाइप के होते थे, इस तरह से डिजाइन होता था, मतलब इस टाइप के होते थे पिरामिड टाइप के।
तो इसलिए इनको प्राइमेट कहा जाता था। और राजाओं के मरने के बाद जो है उनके शवों को, यानी कि उनका जो शरीर होता है मृत शरीर, उनको जो है इन्हीं प्राइमेट के अंदर जो है दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहते हैं, ममी, इन जो ये जो शव थे उनके, इनको ममी कहते हैं। और उनके शवों के साथ जो है और भी अन्य चीज़ें, अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, पेय यानी कि पीने की चीज़ें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उनके साथ में जो है उस पिरामिड में ही दफनाई जाती थी। और आगे बोल रहा है वो, कभी कभी शव के साथ में उनके जो है सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो ये सोचते थे, मतलब वहाँ के लोगों का ये मानना था कि ये सब चीज़ें जो है उसको मरने के बाद जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो इनका लाभ उठा सकेगा, इनसे सेवा अपनी ले सकेगा। लेकिन ऐसा शायद मतलब उनका सोचना था और ऐसा कुछ आई थिंक होता तो नहीं होगा, और ये मतलब हम तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये है कि उनका उस टाइम पे मानना रहा होगा कि अगर उसके कब्र में जो है वो उनकी पिरामिड में इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो वो मरने के बाद जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेगा। खैर वो उनकी जो भी सोच रही होगी, तो ये सोचते होंगे वो, इसलिए उन्होंने जो है ये सब चीज़ें उसके कब्र में, उसके पिरामिड में जो है दफनाई होंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट ज़रूर करते रहना, वीडियो के फीडबैक मुझे देते रहना, और सजेशंस भी आपका ज़रूरी है। तो जो भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें, सभी लोगों तक पहुंचाते रहें। और जो लोग भी नए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।